जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु हाँ दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हो आना होगा। दूसर हो आना होगा। दूसर हो आना होगा। दूसर हो आना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। 84 जामे पहर के पाछे भया अलोप। 70 जामे भगत जन 14 सतगुर राय। गुरमुख होए सो मिल रहे मनमुख मिल है सजाए। पर बेड़े ले जाहेंगे संत जना के पूर। बेमुख टुटे तुट मुए मनमुख ना पए कबूल। गुरमुख जिनी जानिया मिट गए आवन जान। नानक पछाता खसम जिन आए ते परवान। दूसर हुआ ना होगा। दूसर हुआ ना होगा। दूसर हुआ ना होगा। दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होगा। बाग समान श्री गुरु बालक पाप मृगान भगाने को आए। नाम दान स्नान दया तुझ जमाने माहे चुलाने को आए। ठाकुर को ठाकुराई देकर पाल पे तिलक लगाने को आए।
तेग तने को बालम, तेग तने की जोत को बालम, द्वादश माह रखाने को आए। गुप्त ग्यारवां खेल सी को एक पावे पार, गुप्त कला वर्ताण वाले सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह जी का अज प्रादुर्भाव का दिन आप मना रहे हैं। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सब एक बार गज के कहो धन श्री सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह। जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होग, ए पुरातन जन्म साखी अजिते रंधावे की गोष्ट जड़ी है ना, ये तुकां लिखिया हुई ने। एदे विच अजिते रंधावे की अर्ज मन के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ये बचन उचारण किए सन। बच्चा अजित्या, जुगा जुगंतर सतगुरु दूसर हुआ ना होग, वो सतगुरु जड़ा हर युग दे विच हुंदा आया गुरु दी, क्योंकि हर वेले हर समय लोड़े आ पाई। कदे आपां भट्टां दी बाणी पढ़ के वेखीए ना, भट्ट अपनी बाणी विच लिखदे ने, वो आंदे ने गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच विचार, गुर कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। वो जेड़ा गुरु शब्द दे के, जेड़ा शब्द दे विच जेड़ा पूरा है ना, जेड़ा नाम दे के ते तेरे सारे पापा दा नाश कर देंदा, ओ गुरु धारण कर ले भाई। अगन कटे सब तेरे, ते अगे भट्ट कहिंदे ने गुर कर सच विचार, गुर कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुर सत कव नलक है। अखां दे विच गुरु नूं वसाओ, अपने बोलां दे विच, ओ नल भट कहिंदा अपने बोलां दे विच गुरु नूं वसाओ, ते आंदा गुरु सत गुर सत, केवल 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 ते केवल गुरु ही है जेड़ा इस संसार दे उत्ते अस्थिर है, सदा रहण वाला है भाई। जिन गुरु नह देखिया नह किया ते अखियत संसार में, जिन्ना ने गुरु का दर्शन नहीं किया, जिन्ना ने गुरु धारण नहीं किया, उन्हां दा इस संसार ते आना व्यर्थ हो गया भाई। गुरबाणी विच पाठ आया, पाठ हो एक थां ते होर लिखदे ने, पट कहिंदे ने सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो, उग्र सैन कौ राज अपै भगत जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फरमायो। ये राज जेड़ा सदीवी रहन वाला, कदे भी खत्म नहीं होना, ये अकाल पुरख ने आख्या, अकाल पुरख का यह बचन है, आद पुरख फुरमायो। ये जड़ी गुरु की पीढ़ी है, जुग जुग चले, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, ये जड़ी गुरु की पीढ़ी है कदे भी खत्म नहीं होने वाली, भावें कोई जिन्ना मर्जी जतन कर ले। अज सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह का प्रादुर्भाव का दिन, ते सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह की कथा हजरों तो नहीं, सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह की कथा नदेड़ तो शुरू हो जाती है, नदेड़ तो। जिस वेले जमशेद खां पठान ने आके गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे वखी दे विच छुरा मारिया, पठान एक सी दो नहीं सन, दूसरे पठान का भी नाम आया इतिहास के विच अताउल्ला खां, ते जमशेद खां नूं भाई संतोख सिंह जी ने गुल खां करके भी लिखिया, इहदा नाम असल दे विच जमशेद खां सी। पठान एक सी ते इहदा नाम जमशेद खां सी। इस गल की पुष्टि होंदी है बहादुर शाह जफर जिहड़ा उस वेले तख्त ते बैठा सी, उहदी अखबार निकलदी सी दिल्ली तों, ते ओ खास खबरां जिहड़ियां सन उस अखबार दे विच छापियां जांदियां सन।
ते इस खबर नू ओ अपनी अखबार दे विच छापदा ओ आंदा ब अर्ज रसीद के गुरु गोबिंद राय जमशेद खान अफगान मातमी खिलत ब पिसर खान मजकूर मरहमत शुद्ध कि ए जड़ी मातमी खिलत है ना ए जमशेद खान दे बेटे खान नू इस करके दिती गई है। वो नदेड़ दे विच जमशेद खान पठान जड़ा है गुरु गोबिंद राय दे हथों मारिया गया है। ते जे दो पठान हुंदे ते दूसरे पठान नू भी खिलत भेजी जानी सी। पठान एक सी जिस वेले आके वो छुरा मारदा ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वो जखम जड़ा सी सीता गया। दो तीन दिन बाद एक मीटिंग करते ने सच्चे पातशाह निकटवर्ती सेवकों के नाल कि इन्नी दूर आके भी ये मुसलमान जड़े ने मेरा खहरा नहीं छड़न दे ते बहादुर शाह जफर की नीयत भी जड़ी सी सतगुरां दे सामने आ गई कि यह मैनू मरवाना चाहुंदा। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह निकटवर्ती सेवकों के नाल मीटिंग करके ये बचन किया कि मैं हुण गुप्त विचरना है ते मेरा अगला जामा भी जड़ा वह भी गुप्त वरतेगा। ते उस वेले आलम सिंह पढ़ो सूरज प्रकाश की पंजवी रुत 38वां अध्याय जड़ा हुण छपन दिया उहदे विच ये पंक्तियां नहीं गईआं पुरातन लैके कितों मिल जावे ते उहनूं पढ़िया जे पंजवी रुत 38वां अध्याय पढ़न ते पता लगेगा। आलम सिंह ने बेनती की सच्चे पातशाह जे तुसीं हुण गुप्त विचरना है तुहाडा अगला जामा भी गुप्त वरतेगा ते सानू दर्शन किकों होवेगा। ते उस वेले सिंह जी लिखते ने आंदे ने आलम सिंह बंद कर दोए कहा कि दर्शन भी तुम होए। जो आलम सिंह ने बेनती की सच्चे पातशाह किवें दर्शन होएगा ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वचन किया कहा गुरु हम पी रख है हिरदय भावनी सोए श्री अमृतसर पहुंचबो राम सरोवर जोए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वचन किया कि मैं सारी उम्र हरिमंदर साहब अमृतसर साहब दे मैं दर्शन नहीं कर सकिया ते जदों मैं अगली बार आवांगा ते मैं हरिमंदर साहब दर्शन करने वास्ते जावांगा उत्थे संगत मेरा दर्शन करे। कहा गुरु हम पी रख हैं हिरदय भावनी सोए श्री अमृतसर पहुंचबो राम सरोवर जोए। आंदे ने बेर ग्यारहवीं जब हम आवे हैं तिस्ते को एक हम लख पावे हैं। जदों मैं ग्यारहवीं बार आवांगा ना ते कोई विरला मैनू लख सकेगा किसे विरले नू मेरा दर्शन होवेगा। पंथ खालसा खेती मेरी करो संभालन मैं तिस बेरी। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ओ नर नाटक रचाया एक नर नाटक। पुरातन जिन्ने भी ग्रंथ ने भावें ओ सुखा सिंह दा गुरबिलास पातशाही दसवीं पढ़ के वेख लो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी दा पंथ प्रकाश भाई संतोख सिंह जी का सूरज प्रकाश ते महंत सुमेर सिंह जी पटने वाले ये चार ग्रंथ ने जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो बाद लिखे गए ने। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने नर नाटक लिखिया नर नाटक जिस तरह पहला गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह चमकौर की गढ़ी चो निकले ने अखां विच कट्टा पा के मुगलों दियाँ ते बाद दे विच माछीवाड़े दे विचों जिस तरह वो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते ने आंदे ने नर नाटक ते थाट बनायो हे हर नगर अगारी आयो। हे हर नगर जिस तरह वह अपना भेख बना के उचते पीर वाला पहुंचे सन्ना उन्होंने नर नाटक शब्द जड़ा बहुत जचया इस करके उन्होंने नर नाटक शब्द वरते है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नर नाटक करन लगे ने चंदन की चिखा तैयार करवाई है ते चंदन की चिखा तैयार करवा के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उहदे उत्ते आप अस्त्रां शस्त्रां सहित सुसज्जित होके ते उस चिखा दे उत्ते विराजमान होए ने धनुखबाण सजाया होया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बाज मोढ़े दे उत्ते बैठा होया ते सिखां नूं उस वेले हुक्म कीता कि चिखा दी प्रदक्षिणा करके सारे कनातां लवाईआं सन। अद्धी रात दा समां भाई संतोख सिंह जी आखरी जिल्द पढ़ के वेखो 23वां अध्याय 36वां ते 37वां छंद जिहड़ा ओह पढ़ के वेख लो भाई संतोख सिंह जी लिखांदे ने। अद्धी रात का समय गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वचन किया कि प्रदक्षिणा करके कनातों बाहर हो जायो ते मेरे वाल किसी ने मूँह करके नहीं बहना मेरे वाल पिठ करके बहना सारे ने ते मेरा कोई अंगीठा ना फोलियो
इथे मेरी कोई समाध ना बनायो, जेड़ा मेरा इथे कोई स्थान बनावेगा उदी कुल नाश हो जावेगी, उदा कुलबा नाश हो जावेगा। कवि कवित लिखदा उं करके, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह हुक्म कीता, आंदे ने बनाइयो ना समाध यार, फोलेओ अंगीठा कोई, बनाइयो ना समाध यार, फोलेओ अंगीठा कोई। अंगीठा कोई, बनाइयो ना समाध अर फोलियो अंगीठा कोई, हुए कुल नास जो बनाए अस्थान है, ओदी कुल नास हो जावेगी, जेड़ा मेरा इथे स्थान बनाएगा। ए बाद दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने इस स्थान बनवाया। ये 12 लाख रुपया गुरुद्वारियां दे उत्ते खर्च करते सन, ते सारी कुल नास हो गई, एक भी पुत्र नहीं बचे, आपो दे विच सारे लड़ लड़ के मर गए। सराब सी सतगुरां दा इस स्थान में गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ये नर नाटक वरता के, ते अगे जो दिन चढ़दा, एक सिख बालन लैण वास्ते जांदा सी जंगल दे विच, उन्हूं दर्शन होया, वो आके जो नदेड़ पहुंचदा ते आके सिखां नूं रोंदियां नूं वेखदा, वो आंदे ने भाई रुदन क्यों करंदे हो, रोंदे क्यों? सिखां ने आख्या अंगीठा बलंदिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह परलोक गमन कर गए ने। ते वो बालन वाला सिख आंदा, मैं हुणे जंगल दे विच कमैत घोड़े दे उत्ते सच्चे पातशाह दा दर्शन करके आया। ध्यान रखियो, ये नर नाटक वरतौन तो पहला कमैत घोड़े दे उत्ते काठियां पवाईयां सन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, काठियां। ते जदों ओ बालन वाले सिख ने आके घटना दसी, ते सिखां ने जाके जदों तबेले दे विच वेखिया, ते उत्थे कमैत घोड़ा नहीं सी। इहदे तों बाद एक उदासी साध आउंदा उत्थे, उदासी साध ने जदों सिखां नूं आके, एक भाई संतोख सिंह जी इस साखी नूं लिखण दे ने, इस घटना दा जिक्र करन दे ने। भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने, उदासी साध आउंदा ते आके जदों सिखां नूं रोंदियां वेख्या, ते रोंदियां नूं वेख के पुछदा, भाई तुसीं रुदन क्यों करन दे हो, रोंदे क्यों, की गल होई? ते सिखां ने आख्या, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह परलोक चले गए ने, ज्योति जोत समा गए ने। ते वो उदासी साध जड़ा सी ना, वो आखन लगा, किस तरह दियां गल्लां करदे हो, तुसी हैरान कर दिता मैनू, मैं ते हुणे जंगल दे विच सतगुरां दा दर्शन करके आया, मैं सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार कीती, कमैत घोड़े ते सच्चे पातशाह विराजमान सन। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह मैनू बचन कीता, आओ संत जी नाले दर्शन दिओ ते नाले दर्शन लवो, संतां दा दर्शन करके आनंद की प्राप्ति हुंदी है। ते उदासी साध आखन लगा, सच्चे पातशाह तुहाडी हजूरी दे विच तुहाडा कोई दास नहीं, कोई हजूरी सेवक नहीं, किधर नूं चाले पाए ने सच्चे पातशाह, कल्ले ही तुर चले हो? ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता कि हुण मैं अपनी मन मर्जी दे नाल जिथे रुचि होवेगी ना उत्थे सैल करांगा, जिथे मेरी मर्जी होवेगी, जिथे मेरे मन की भावना होवेगी उत्थे विचरांगा। ते इना बचन करके गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अगे चले गए। ते वो उदासी साध सिखां नूं आखदा है, वो तुहानू रोंदियां नूं वेख के ते मैनू बहुत ज्यादा आश्चर्य होया, मैं ते हुणे दर्शन करके आया सतगुरां दा। ते इउं करके कवि लिखदा है, ओ कौतक रचाया ऐसा परमेश ने, गुरु दशमेश ने, कौतक रचाया ऐसा परमेश ने, गुरु दशमेश ने, कौतक
पशु पंछी नर नर गमगीन सन हर अख चौमदी गुरु दे विछोड़े विच साध संगत सी जारो जार रोमदी ओ भुलेखा ऐसा पाया सोडी मृगेस ने गुरु दसमेस ने कौतक रचाया ऐसा परमेस ने गुरु दसमेस ने पुछया उदासी साधी उथे आए के सिखा हाल आखिया वो पुछया उदासी साधी उथे आए के सिखा हाल आखिया गुरु दे दरस वाली उस साध ने दसी सारी साखिया दीदारे मैनू हुणे दिते सी ब्रिजेश ने गुरु दसमेश ने कौतक रचाया ऐसा परमेश ने गुरु दसमेश ने कर पुछया उदासी साध ने किधर चाले पाए ने ओ बिने कर पुछया उदासी साध ने किधर चाले पाए ने ओ करनी है सैल जिथे रुचि होवेगी गुरु एंजल आए ने ओही जान देने गए केड़े देश ने गुरु दसमेश ने कौत कर चाया ऐसा परमेश ने गुरु दसमेश ने उदासी साध आके सारी घटना दसद एदे तो बाद ज्ञानी ज्ञान सिंह जी पंथ प्रकाश दे विच लिखदे ने एक घटना दा जिक्र करदे ने चार साध पंजाबो दर्शन करन गए सन नदेड़ दे विच गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा उन्हां साधुआं नूं जंगल दे विच दर्शन होया ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उन्हां नूं प्रसाद दिता ते ओ जदों नदेड़ पहुंचे ते उन्होंने आके भी जदों सिख रोन दए सन रुदन करन दए सन उन्होंने आके भी पुछया भाई रोंदे क्यों ते सिखा ने दसिया कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ज्योति जोत समा गए ने ते उह सिख आखन लगे किस तरह दीआं गल्लां करदे हो असीं ते हुणे जंगल दे विच दर्शन करके आए हाँ ते सिख आखन लगे आ वेखो अंगीठा बलन दिया सच्चे पातशाह आप लांबू ला के ते परलोक गमन कर गए ने उन्हें साधा ने पूछा जदों सच्चे पातशाह लांबू लाया सी तुसी कोल सो आखन लगे नहीं सानू ते सतगुरां पहला ही कनात तो बाहर कढ़ दिता सी ते नाले हुकम कीता सी कि मेरे वाल पिठ दे के बहना किसे ने मेरे वाल वेखना नहीं ते वो साध आखन लगे जे तुसी वेख्या ही नहीं सतगुरां नू चिखा दे विच वो लांबू लाउंदिया ते तुसी किस तरह कह सकते हो सच्चे पातशाह ज्योति जोत समा गए ने असी हुणे कमैत घोड़े ते दर्शन करके आए हाँ जे साडी गल दे उते यकीन नहीं ते जाओ जाके पहला कमैत घोड़ा वेखो तबेले दे विच सिख गए उते कमैत घोड़ा नहीं सी इहदे तो बाद सच्चे पातशाह दो राजे मरहटिया ने कैद किए हुए सन सतारे दे किले दे विच बाला राव ते रुस्तम राव ये बाला राव कौन सी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों सुहेवे साहब गए न इत्थे दौलत राम आया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का दर्शन करने वास्ते ते अपने घर लै गया सच्चे पातशाह दर्शन दिते ते पुछया दौलत राम किन्ने पुत्र ने तेरे आखन लगा जी पंज पुत्र ने है पंजवां किथे आ ते दौलत राम ने बेनती की सच्चे पातशाह ओ ते बौला राही है भाव कि वह बरली मत वाला है साधारण है रावां दे विच तुरन फिरन करके रावां जे रावां दे विच फिरदा सी इस करके उन्हूं बौला राही आंदे सन ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता उन्हूं लभ के लियाओ जदों उन्हूं लभ के लियांदा गया ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता कि यह बौला राई नहीं है बाला राई है बाला राई ये बाला राओ ये बड़ा प्रतापी राजा बनेगा ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता कि ये बौला राई नहीं ये बाल नहीं ये गुरु दा लाल आ सच्चे पातशाह नूं सिख सजाया ते उहदा नाम रखिया लाल सिंह ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता लाल सिंह जदों तेरे उत्ते भीड़ पवेगी मैनू याद करी मैं तेनू सहायता करके ते तेनू दर्शन दवांगा तेरी सहायता करांगा ये बचन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बाला राव दे नाल कीता होया सी
ते अज जदों मरहट्टिया ने कैद कर दिता इत्थे हैदराबाद दे कोल जनवारा सतारे दे किले दे विच दोवें राजे कैद ने यह दोवें पगवट भरा सन मल्ला मारदे मारदे दखण दे विच चले गए ते मरहट्टिया ने इन्हां नूं कैद कर दिता सी ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं दोवें राजे याद करदे ने बाला राव बेनती करदा सच्चे पातशाह ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਐਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵੋ ਓਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਰਿਹਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਰਾਵ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਰਾਵ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਵ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ 12 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਮਾੜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ 1765 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1812 ਤੱਕ ਸੰਮਤ 1812 ਤੱਕ ਭਾਦਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਜੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 47 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਗੁਪਤ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਪਤ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਪਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੋਗਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸਨ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਂ ਆਏ
धर्म हेत गुरुदेव पठाए याही काज तरा हम जन्मंग समझ ले हो साधु सब मनमंग धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन। वो दुष्टा का नाश करने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अवतार लिया सी कि उस वेले दुष्टा का नाश हो गया सी। अजे तो सूबा सरहद वजीर खां वर्गे पता नहीं किन्ने कु पापी जिंदे सन अजे अजे उन्हों का नाश करना सी सच्चे पातशाह। अजे जड़ा रायकोट बचन किया नूरे माही दी वो सारी वो साका सुन के सरहद वाला सच्चे पातशाह काई दे बूटे नू पुट के बचन किया कि हुण तुरकां दी जड़ पुट्टी जाएगी कि अजे जड़ पुट्टी गई सी। अजे सच्चे पातशाह वो सारा कुछ अपने नेत्रां दे नाल वेखना सी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह 1812 तक भादरे रहे ने। ये तो बाद सच्चे पातशाह जींद आए ने 1818 तक जींद 6 साल रहे ने। ये तो बाद सच्चे पातशाह फिर पटियाले पहुँचते हैं। जदों सच्चे पातशाह पटियाले पहुँचे उजाड़ दे विच जाके सच्चे पातशाह तंबू ला लिया उथे क्योंकि भादरे तो ही वो नगारा हाथी घोड़े ऊंट सारा भार बरदार इत्थे पटियाले जड़ा सी बचाया गया जींद तो फिर पटियाले सारा समान आया। तो मैं अर्ज करा उस वेले जदों सच्चे पातशाह पटियाले आउंदे ने ना इत्थे आके सच्चे पातशाह उजाड़ दे विच जदों तंबू लाया तो पटियाले आके इत्थों दी राणी आस कौर ते राजा साहब सिंह जड़ा सी इन्हां नूं पता लगा कि इत्थे कोई महापुरश आए ने आके दर्शन किया सेवा विच हाजर होए बेनती की सच्चे पातशाह सेवा बख्शो। तो उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अपना नाम रख्या होया सी बाबा अजापाल सिंह ते अपने आप नूं आंदे सन गुरु सिंह मूँह ते ठाठा बन के रखते हुंदे सन। किसे नूं पता नहीं सी लगदा कि कौन ने कईयां नूं भुलेखा पैंदा सी कि खरे गुरु गोबिंद सिंह ने कईयां नूं साहिबजादियां दा भुलेखा पैंदा सी पर सारियां नूं इह पता सी कि पूरन पुरख ने। ते उस वेले राजा साहब सिंह ने उत्थे मकान मंदिर बनवा दिते पटियाले दे विच। एक माई सेठा बुलाडे दी रहण वाली ओ इत्थे शरण दे विच आउंदी इहनूं कोढ होया होया सी। सच्चे पातशाह बाबा अजापाल सिंह जी इहदे उत्ते मेहर दी निगाह करके इहदा कोढ दूर कर दिता। इत्थों फिर सच्चे पातशाह नाभे दी झिड़ी दे विच आउंदे ने अखीर दे विच संमत 1830 तों लै के 1869 तक गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बाबा अजापाल सिंह जी दे रूप दे विच इत्थे नाभे दी झिड़ी दे विच रहिंदे ने। इत्थे बड़े बड़े महापुरश भाई बाग सिंह भाई बाज सिंह माई सेडा ते भाई कान सिंह नाभा उन्हां दे परदादा बाबा सरूप सिंह जी ये इत्थे बाबा अजापाल सिंह जी दे हजूरी सेवक सन। हजूरी सेवक घोड़िया की मालिश करते सन रोजाना झाड़ू देंदे सन पर कई बार मन दे विच ये फुरना फुरदा पता नहीं सच्चे पातशाह खरे ये आप ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने जा उन्हां दे कोई साहबजादे ने पता नहीं लगता कई बार ये फुरना फुरना। पर एक दिन बड़ा तीवर फुरना फुरिया ते बाबा सरूप सिंह दे अंदर दी गल जान के घट घट के अंतर की जानत गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह चौबारे तो आवाज मारी री सेडा बाबे सरूप सिंह नूं ते मेरे कोल चौबारे ते भेज दे। ते सेडा ने आख्या बाबा जी तुहानू बाबा अजापाल सिंह जी ने गुरु सिंह जी ने उत्ते चौबारे ते याद कीता। ते उस वेले बाबा सरूप सिंह जी चौबारे ते जांदे ने जाके नमस्कार कीती ते बाबा अजापाल सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता पलंग ते बैठे होए सन। बचन होया वेखो कि मेरे इत्थे खुरक हुंदी है कोई जी ते नहीं। ते उस वेले बाबा सरूप सिंह जी ने चोगा तां कीता। तरन सिंह वहमी जी लिखते ने नदेड़ो बाद जीवन वाले ग्रंथ दे विच बड़े बड़े वड्डे केस सन सतगुरां दे पिंडे ते वड्डे वड्डे केस। ते एक जदों बाबा सरूप सिंह जी ने वेख्या बहुत वड्डा घाव लग्या होया ते उस वेले बाबा सरूप सिंह जी ने बेनती की महाराज ये घाव कैसा है। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन किया बाबा सरूप सिंह ये जिहड़ा नदेड़ दे विच पठान दे बच्चे ने मेरे छुरा मारिया सी ये ओह घाव है। ते उस वेले बाबा सरूप सिंह जी नूं निश्चा हो गया कि बाबा अजापाल सिंह जी ही गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने। ते बाबा सरूप सिंह जी उस वेले रोजाना रोज नामचा लिखिया करते सन बाबा अजापाल सिंह जी का। ये जो रोज नामचा बाद दे विच भाई बाबा कान सिंह जी ने छपवाया ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह आ जिहड़ी साखी सी ना इस साखी का उतारा करवा के दियां नकलां अपने कोल भी रखियां। ते उस वेले बाबा सरूप सिंह ऐं करके की आंदा ओ मैनू
हो गया निश्चय तू कलगियां वाला है, मैनू हो गया निश्चय तू कलगियां वाला है, मैनू जिस शेर बनाया है ओ दे अमृत चिड़िया तो बाजानू तुड़ाया है, पीखण जय मस्त होए कर दर्शन आला है, मैनू हो गया निश्चय सुमेर सिंह जी पटना साहब वाले गुरबिलास पातशाही दसवीं लिखिया उन्होंने, ते महंत सुमेर सिंह जी मैं दस दवा तुहानू कौन सन। जदों अंग्रेजा ने सिंह सभा लहर बनाई है ना, सिंह सभा लहर की पहली जिहड़ी कमेटी बनी है ना, महंत सुमेर सिंह जी उहदे उस प्रबंधक कमेटी के प्रधान सन, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी इहदे सकत्तर सन, भाई कान सिंह जी नाभा इस कमेटी के विच सन। ओ महंत सुमेर सिंह जी पटने वाले अपने गुरबिलास पातशाही दसवीं दे विच पढ़ के वेखो, इकवंजवीं साखी दे विच कमैत घोड़े वाली साखी लिखन दे ने, उत्थे कमैत घोड़ा नहीं सी तबेले विच। 52 नंबर साखी दे विच महंत सुमेर सिंह जी लिखते ने, बालण वाला सिख आके दसदा मैनू हुणे दर्शन होया। 53 नंबर साखी दे विच महंत सुमेर सिंह जी पटने वाले दसदे ने, चार साध जिहड़े आए सन उन्होंने आके दसिया। 54 नंबर साखी दे विच महंत सुमेर सिंह जी आंदे ने रुस्तम राव ते बाला राव नू छुड़वाया, ते 55 नंबर साखी दे विच महंत सुमेर सिंह जी आंदे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह पिछौर वाले पासे गए, गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह नू उत्थे जाके दर्शन दिता। सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह सिंध अते हरो नदी दे मिलाप वाले स्थान ते बैठ के तपस्या करन दे सन। वह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की मूर्ति हिरदे दे विच अंकित होई पई सी, सच्चे पातशाह कृपा कर मैनू दर्शन दे। बचपन तो जिदियां साखियां मेरे माता भाग प्रीत पिता बाबा दयाल जी तुहाडियां साखियां मैनू सुणाउंदे आ रहे ने, तुहाडी मूर्ति मेरे हिरदे पटल ते अंकित होई पई है, सच्चे पातशाह कृपा कर मैनू दर्शन दे, ते इउं करके की आंदे ने। ओ कलगी वाला पुरख सुजान, कलगी वाला पुरख सुजान, कलगी वाला गोविंद सिंह सोटी सुल्तान, गोविंद सिंह सोटी सुल्तान, गोविंद सिंह सोटी सुल्तान, गोविंद सिंह सोटी सुल्तान, ओ गोविंद सिंह सोटी सुल्तान, सच्चे पातशाह याद कीता। ते महंत सुमेर सिंह जी पटने वाले लिखते ने उत्थे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दर्शन दिता। महंत सुमेर सिंह जी आंदे ने नगर विराट पिछौर मध एक भगत भगौती प्रेमी श्री गुरु चरणन रत चाहत दर्शन नेमी, एक बार श्री गुरु चरणन को अधिक ध्यान ते नकीनो, प्रगट गोबिंद सिंह सतगुरु ने ताको दर्शन दिनो। उत्थे दर्शन दिता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। होर लिखते ने अगे महंत सुमेर सिंह जी आते ने, गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह इतों अगे गए ने लंडे दरिया ते जाके सिखां नू हुकम किया कि इत्थे दरिया दे विच ढेमा मारो। सिखां ने ढेमा मारियां,
ते जदों दरिया दे विच टेमा मारियां ते सिखां ने पुछिया सच्चे पातशाह दरिया दे विच टेमा कानू मरवाइयां ने ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता कि तुरकां दे शहीद सिंह लड़न वास्ते आए सन तां टेमा मार के उन्हां नू मार दिता। महंत सुमेर सिंह जी आंदे ने उत्थे गुरद्वारा बनिया होया हर ऐतवार उत्थे मेला लगता है पिछौर विच जिथे एक कौतक गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वरताया। घोड़े दीआं टापां दी आवाज़ सुन के गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह दी बिरती खुल गई ते उस वेले सामने वेख्या कोई महापुरश ने प्रकाश ही प्रकाश ऐउं जापिया कि जिन्हां दी आराधना मैं करन दिया ए ओही ने। नमस्कार कीती गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आसन ते बिठा के पंज परिक्रमा करके नारियल ते पंज पैसे मत्था टेक के बचन कीता कि अज तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह वाली गुरियाई जड़ी है ये अज तो तुहानू सौंप दिती है। ते उस वेले गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता सच्चे पातशाह ये पंड किसे होर नू दिओ भार बड़ा वड्डा मेरे कोलों चुकिया नहीं जाना। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बचन कीता कि ये मेरी तेरे कोल अमानत आ ये वस्तु मैं छेती आ के तेरे कोलों आप लै लवांगा मैं छेती आ रहा मैं भैनी ग्राम दे विच राम सिंह दे नाम तो प्रगट हो के अपने वस्तु आप तेरे कोलों लै लवांगा। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी इस गल की पुष्टि करते ने पंथ प्रकाश विच आ जिहड़ा कवित हुण मैं पढ़न लगा ना ये करोना काल दे विच हरिमंदर साहब बाबा दीप सिंह जी दे गुरद्वारे तो उन्होंने इस ग्रंथ की लाइव कथा की है ते आ कवित उन्होंने भी पढ़िया। ज्ञानी जी आंदे ने बालक मृगेश ते विशेष उपदेश नाम यदि नर नारी लै अपारी भवतै तरे और इलहाम करतार कई बार दयो नाम दे उधार कर जीवन खातु कातु खरे ऐपे गुर दसम दर्श दें यों कहो ताहे मेरो अवतार अंश राम सिंह हवै परे कि राम सिंह मेरा अवतार आ रहा है राम सिंह होए मेरो नामा बाडी सुत भैनी को तामा वो मैं छेती आ रहा अवतार लैके ते आके संसार ते मैं नाम दी बरखा करके संसारियां दे पापा नूं धोवांगा यूं करके ओ सब पापा नूं धोणा नाम दी करांगा बरखा सब पापा नूं धोणा नाम दी करांगा बरखा हाँ नाम दी करांगा बरखा ओ नाम दी करांगा बरखा हाँ नाम दी करांगा बरखा नाम दी करांगा बरखा हजरों विच आउंदे ने ते आके ओ जिहड़ी नाम दी दात गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दित्ती सी ओ नाम दा भंडारा फिर हजरों दे विच खोलिया। ऐसा बहुत सारे कौतक अज तुसी सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह दे सुने ने अज सतगुरु जी दा प्रादर भाव दा दिन है सब एक बार गज के कहो धन श्री सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह।